नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष ठाकुर, आयकर अधिकारी, वर्तमान में दिल्ली में पदस्थापित हूं। आज अभी अपने कार्यालय में बैठ के छठ पूजा की पुरानी यादों में खोया हुआ था, क्योंकि आज से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। आज नहाए खाए है, जिसे हम लोग भागलपुर में कद्दू भात भी कहते हैं। मैं मूल रूप से भागलपुर का रहने वाला हूँ। छठ पूजा से हम बिहार के लोगों का एक भावनात्मक लगाव है। छठ पूजा हमारी अस्मिता की पहचान है। जैसे ही छठ पूजा का आगमन होता है, जैसे ही शारदा सिन्हा के छठ पूजा के गीत हम सुनते हैं, तो बिहार के बाहर रहने वाले जो हम बिहारी लोग हैं, उनकी अकुलाहट बढ़ जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं हर साल छठ पूजा पे अपने गांव और अपने शहर वापस जाके वहाँ अपनी मिट्टी से में छठ पूजा मनाने की, बट हर साल वो संभव नहीं हो पाता है। तो इस साल मैं नहीं जा पाया हूँ, तो इसलिए अपने कार्यालय में बैठ के छठ पूजा की पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा था। तभी एक मित्र के माध्यम से मुझे एक शॉर्ट फिल्म के बारे में पता चला, जिसका नाम है बिहार एट द रेट 1325। ये जो शॉर्ट फिल्म है वो एक जो बिहारी परिवार है जो दिल्ली में रहता है, और वो मूल रूप से कटिहार का रहने वाला है। तो दिल्ली से कटिहार की दूरी 1325 किलोमीटर है। तो वो छठ पूजा पे नई दिल्ली से अब कटिहार छठ मनाने के लिए जाना चाहता है, और उसी की जद्दोजहद और छठ पूजा की खूबसूरती के बारे में इस फिल्म में दिखाया गया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत भावनात्मक फिल्म है। अगर आप ने छठ पूजा कहीं मनाया है, देखा है, अगर आप बिहार के हैं तब तो इस फिल्म से कनेक्ट होंगे ही, जो बिहार के नहीं भी हैं। लेकिन अगर छठ पूजा के बारे में जानते हैं, छठ पूजा से थोड़ा भी जुड़ाव है, कभी देखा है, कभी मनाया है, तो आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे छठ पूजा के 4 महीने पहले ही लोग ट्रेन में रिजर्वेशन करा लेते हैं, क्योंकि छठ पूजा पे बिहार वापस जाने वाले लोगों की भीड़ इतनी होती है कि टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। जिस दिन शुरुआत होती है रिजर्वेशन की, उसी दिन जो है सारे टिकट फुल हो जाते हैं। तो ये एक जद्दोजहद दिखाया गया है, और वो जद्दोजहद वास्तविक है, हम लोग फेस करते हैं जो भी दिल्ली में रहते हैं या और किसी महानगर में रहते हैं, वो छठ जाते समय इस परेशानी को झेलते हैं। लेकिन छठ में वापस जाने की जिद इतनी होती है कि लोग उस परेशानी को झेल के भी पहुँचते हैं। एक आस्था का महापर्व हम लोग बोलते हैं छठ पूजा को, और उसमें पहुँचना, अपने गाँव की मिट्टी तक पहुँचना, और वहाँ नदी किनारे या तालाब किनारे अपने परिवार के साथ मिलके छठ मनाने का जो मज़ा है वो एक अलग ही स्तर का है। अब छठ पूजा पे सारे ही लोग इकट्ठे होते हैं, तो परिवार के सारे लोगों से मिल पाते हैं, और एक बहुत ही छठ पूजा के बारे में जो एक विशेष बात यह है कि हम हमेशा से देखते हैं अपनी सोसाइटी में कि जो आगे बढ़ता है, जो उगता हुआ सूरज है, लोग उसी को सलाम करते हैं। बट छठ पूजा हमारी ऐसा पर्व है जिसमें कि अस्ताचलगामी सूर्य को भी नमन करते हैं हम लोग, यानी जो डूब रहा है, जो हमें रोशनी दे के जा रहा है, उसको भी हम नमन करते हैं। तो प्रकृति से जुड़ा पर्व है, और इसमें जो है बड़े ही अच्छे तरीके से इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे माँ जो बिहार में है वो व्यग्र है कि हमारा बच्चा जो बाहर में रह रहा है वो आए हमारे साथ छठ मनाए, और बच्चा जो है वो दिल्ली में व्यग्र हो रहा है कि हम छठ पर पहुँचे, और किसी न किसी तरीके से पहुँच जाता है। और फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि एक जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, जिनका छठ पूजा से डायरेक्ट जुड़ाव नहीं है, वो भी लोग छठ मनाने के लिए पहुँचते हैं। तो ये जो सामंजस्य है, धार्मिक सामंजस्य है हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में, ये भी बड़े अच्छे ढंग से इसमें दर्शाया गया है। और छठ पूजा का जो प्रसाद है ठेकुआ, उसकी महक तो अब जो है पूरे भारत में है, भारत से बाहर भी है।
तो बहुत अच्छी फिल्म लगी मुझे, और इनमें जो भी पात्र हैं उन्होंने बहुत कमाल का वो जो इमोशन है वो दिखाया है, वो इमोशन बहुत अच्छे से एक्सप्रेस हुआ है, जिससे कि हम लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं इस फिल्म से। सो थैंक यू कि ऐसी फिल्म आप लोगों ने बनाई, ताकि जो है हम थोड़े और नॉस्टैल्जिक हुए, छठ पूजा की यादों को और ताज़ा कर सके। थैंक यू।